रहा था। ये जो हमारे साथ खेल किया गया है, ये खेल जो है इसमें बहुत गुस्सा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। Concentrate on 14% Muslims. You have the highest dropout rate. This nation, we want it to become a... सोशल मीडिया कब किसको हीरो बना दे और कब किसकी जोड़ी बना दे, इसका अंदाजा लगना बेहद ही मुश्किल है। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन अवैसी का इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, कोई कह रहा है ये जोड़ी उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल को भारी पड़ने वाला है, तो कोई कहता है कि मायावती अब गई। आपकी नजर भी अगर उस वीडियो पर पड़ा होगा तो आप भी कह रहे होंगे कि लग रहा है आने वाले सियासत में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद। दोस्तों, सियासत के खेल में कौन किसका दुश्मन है और कौन किस, ये पता लगाना बेहद ही मुश्किल है। बीते साल महाराष्ट्र में हुई सियासी उठक पटक तो आपको याद ही होगा। शिवसेना दो भागों में बट गई और बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली। इसके अलावा बिहार के सियासी आंख मिचोली भी अभी आपके जहन से उतरा नहीं होगा। कैसे तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को धोखा दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया और एनडीए की सरकार बन गई। दोस्तों, जरा इन तस्वीरों पर आप नजर डालिए। सदन में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन अवैसी कई बार एक दूसरे के साथ एक दूसरे से बातचीत करते हुए और एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, मुसलमान के हक की पैरवी करने वाले अवैसी अब दलित और मुसलमान की शिक्षा को लेकर सदन में अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो दलित चेहरा है जिस पर शायद अब दलित समाज को मायावती से ज्यादा भरोसा चंद्रशेखर आजाद में दलितों को अपना हितेशी नजर आने लगा। बता दें कि यूपी में दलित आबादी करीब 21% है और 29 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित वोट 22-40% है और यही दलित मायावती का कोर वोट बैंक माने जाते थे। लेकिन पिछले कई सालों से मायावती राजनीति में सबसे ज्यादा सक्रिय नहीं है, जिसकी वजह से आजाद समाज पार्टी मुखर होते हुए नजर आ रही है। इधर अवैसी का रौला भी कुछ कम नहीं है। अवैसी बेखौफ होकर संसद और सदन के बाहर मुसलमानों के हक की आवाज बुलंद करते हैं। इतना ही नहीं, अवैसी बिना लाग लपेट के सीधे तौर पर बीजेपी को मुस्लिम विरोधी पार्टी बताते हैं। असदुद्दीन अवैसी अक्सर संसद में मुसलमान समुदाय से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं। अब जरा सोचिए कि एक दलित का हितेशी और दूसरा मुसलमानों का हक का पैरोकार अगर चंद्रशेखर और अवैसी की ये नजदीक या राजनीति रिश्ते में बदल गई तो सबसे बड़ा नुकसान जिसे होगा वो समाजवादी पार्टी और आजाद के एक साथ आने से सबसे ज्यादा वोट तो सपा पार्टी का ही कटेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें पाकर आगे निकलने वाली पार्टी सपा अगले विधानसभा में हाथ मलती रह जाए। कई मायने निकाले जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में चंद्रशेखर आजाद का बहुत ही महत्व देखा जा रहा है और जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी और चंद्रशेखर आजाद की जो करीबियां हैं, जो उनके साथ बैठने की वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो देखिए अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं। जिस तरीके से उनकी वीडियो वायरल हो रही है चंद्रशेखर की, अगर उस वीडियो पर नजर पड़ गई दोस्तों तो आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर को कहीं ना कहीं ये लगने लगेगा कि इतना अगर वीडियो वायरल हो रहा है और अगर हम असदुद्दीन अवैसी और एक साथ मिलकर चुनाव लड़े तो कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा। हालांकि आपको याद होगा, नगीना से चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीते हैं, संसद बने हैं, तो उसी अगर लोकसभा की बात किया जाए नगीना की, तो वहां पर मुसलमानों ने सबसे ज्यादा वोट चंद्रशेखर आजाद को किया है। हालांकि वहां के मुसलमानों ने समाजवादी और बसपा को नकार दिया। यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद वहां से सांसद बनकर संसद भवन पहुंचते हैं। तो आप जरा से आंकड़ा अगर आप इसका आकलन करें तो आप सोचिए कि अगर चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन अवैसी एक हो जाएंगे तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर किसका नुकसान होगा और कितना मजबूती इन दोनों लोगों से, इन दोनों नेताओं से आएगा, ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में कौन किसका दुश्मन और कौन किसका दोस्त है, ये अंदाजा लगा पाना बेहद ही मुश्किल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमने जो बयां किया है क्या वो सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। देखते रहे 24 तक न्यूज़।